फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। एक दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो अपनी सीरीज चल ही रही है उसके बारे में बात करेंगे। ई गवर्नेंस जो अपना टॉपिक है आज का, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में नई यूनिट जो है उसके बारे में है। तो यूनिट नंबर 9 जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, उसी में एक टॉपिक है ई गवर्नेंस, जिसके बारे में क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे। आयोग के क्वेश्चन आप लिस्ट में जाके भी हमारी चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में से मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको ऑनलाइन फैक्ट, और थ्योरी भी बहुत जल्द मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद अपना अगला टॉपिक जो रहेगा खाद्य प्रसंस्करण, वो रहेगा विज्ञान एवं पर्यावरण वाला टॉपिक, जो 7 नंबर यूनिट एग्जाम्स की। लेकिन चलिए, जो लास्ट टॉपिक ई गवर्नेंस का बचा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 9 ई गवर्नेंस एग्जाम बेस्ड यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। तो ई गवर्नेंस क्या है? ई शासन में ई का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक से है। सरकारी क्रियाकलापों एवं परियोजनाओं आदि में सूचना संचार तकनीकी ICT का प्रयोग करते हुए लोक कल्याणकारी राज्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करना ई गवर्नेंस कहलाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी दोस्तों, लेकिन आगे बात करते जो फैक्ट है, ऑनलाइन फैक्ट। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की स्थापना। राष्ट्रीय जो सूचना केंद्र है NIC, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1977 में उसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1977 में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारत में नेशनल ई गवर्नेंस की शुरुआत, भारत में नेशनल ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? तो भारत में ही नेशनल गवर्नेंस की शुरुआत हुई 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? आरोग्य सेतु जो ऐप है कब लॉन्च किया गया? तो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। और उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 12 भाषाओं से हैं उसमें आरोग्य सेतु ऐप में, 2 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों EOSD पोर्टल, तो क्या है EOSD पोर्टल? तो किसके द्वारा जारी किया गया EOSD पोर्टल जो है? आयुष मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल है EOSD पोर्टल। सारथी ऐप संबंधित है, तो देखिए जितने भी तरह के ऐप हैं इसमें पूछे जाते हैं, तो सारथी ऐप किससे संबंधित है? तो रेलवे से संबंधित है। तो चार तरफ के ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, तो आपको बताना है कि सारथी ऐप किससे संबंधित है। तो सारथी जो ऐप है वो रेलवे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत, MP जो ऑनलाइन पोर्टल है उसकी शुरुआत कब की गई? तो जुलाई 2006 में MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कोविन ऐप संबंध है, तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अभी करंट में पूछ सकते हैं इसको कि कोविन जो ऐप है वो संबंध है, तो कोविड वैक्सीन संबंधित है। कोविन जो ऐप है वो कोविड वैक्सीन संबंधित है। और पहले मैंने आपको बताया कि कोवैक्सीन कोविशील्ड कहाँ बन रही है, दिशा ऐप संबंधित है। देखिए देखो कोरोना काल का भी जो समय है, लेकिन आप लगातार आप हमारे चैनल से स्टडी जारी रखें, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन फैक्टर्स अभी आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी कोरोना के समय आप भी घर पे हैं, स्टे होम, घर पे ही रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे ध्यान दें। बहुत जल्द जो होगी एग्ज़ाम तो होनी है, तो आप निरंतर जारी रखें। और अगर आप हमारे नोट्स देखना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट में आपको कौन से नोट्स चाहिए। दिशा ऐप संबंधित है, तो दिशा ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है। किस संबंधित है? महिला सुरक्षा से। पेंसिल ऐप संबंधित है, पेंसिल ऐप संबंधित है। किससे संबंधित हो? बाल श्रम से संबंधित है पेंसिल ऐप। साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत, साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत कब हुई? तो 19 जनवरी 2018, साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत 19 जनवरी 2018 को हुई। तो इस तरह के ऑनलाइन क्वेश्चन फैक्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं हमारे जितने वीडियो हैं। प्ले लिस्ट में आप ज़रूर देखें आयोग के क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंने कम्प्लीट कराए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगली आप अपना जो यूनिट रहेगी विज्ञान और पर्यावरण, उसमें अपन वैज्ञानिक संस्थान देखेंगे, उपग्रह देखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण देखेंगे, उसमें जितने भी 8 से 9 टॉपिक दिए गए सभी कम्प्लीट कराऊँ मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।